नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात आप सभी को। और हमारे यहाँ 2 दिन ठंडा हुआ और आज फिर से हो रही भयंकर गर्मी। मैं काम करते करते इतनी गर्मी लग गई है और मैं मार रही हूँ पोछा नहीं झाड़ू मार रही हूँ। और बच्चे अभी तक सो रखे हैं, तो कौवे को मैंने रोटी भी दे दी और अब वो सुबह सुबह आ जाते हैं पानी पीने। तो पंछियों को इतनी सुबह सुबह प्यास लग जाती है, तो हो सकेगा तो आप लोग भी पानी रख दीजिएगा पंछियों के लिए। कैसा भी बर्तन हो आपके पास, पानी ज़रूर रखिएगा। तो हमारा जो व्हाट्सअप है उसको भी किसी ने पाला था, लेकिन अब उसको हमसे इतना लगाव हो गया है। तो एक रोटी और थोड़ा सा पानी के लिए वो हमारे साथ इस तरीके से अच्छी बॉन्डिंग हो गई उसकी। तो हम इंसानों की इच्छा तो कभी भरती है नहीं, लेकिन जीव जंतु को क्या चाहिए, थोड़ा सा खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा और थोड़ा सा पानी। तो इतना आप लोग कर सकते हैं, हो सके तो कर लीजिएगा। आजकल गर्मियों का टाइम है, किसी को पानी भी पिला देंगे आप तो बहुत ही बड़ा परोपकार होगा, परोपकार। और किसी भूखे का पेट भरते हुए देखो तो बहुत ही सुकून मिलता है। तो शायद आप लोग रखते होंगे, आई होप। तो कौन कौन रखता है मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना गाइस। तो मैं करती हूँ झाड़ू मारती हूँ। आपको मिलता है थोड़ी देर में। कौवे की कहीं बंद नहीं हो रही, या तो बारिश के लिए कर रहा है सब। जब बारिश होती ना उससे पहले भी कौवे कहीं करते हैं। और मैं रोटी तो 2 बार दे चुकी हूँ उसको, अभी ये मुझे पता नहीं कि उसी कौवे ने खाया कि किसी और ने खाया। और बार बार आके पानी पी रहा है और चला जा रहा है। और हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। नाश्ते में बनी है आज हमारी फेवरेट भिंडी की सब्जी। कोको कह रहा है मुझे पढ़ाई करने का बहुत मन कर रहा है, मम्मा मुझे पढ़ाओ मुझे पढ़ाओ। चलो नाश्ता कर लिया ना, चलो अब थोड़ी देर पढ़ाई। घड़ी पहन ली, ब्रश कर लिया, ट्राई नहीं कर ली। चलो ब्रश छोड़ना क्या, ब्रश नहीं किया ऐसा होता हीरो। छोटे बच्चे गोद में आ ले। पढ़ा पढ़ा के मेरा दिमाग खराब होने में पागल होने वाली हूँ। पढ़ा के चलो बंद कर दो। टेक अ रेस्ट बच्चा। ओके। और मेरा खाना बनाने का टाइम हो गया, अब इनको पढ़ाने बैठूँ ना तो ये 6 बार बुलाते हैं, मम्मा ये बताओ। तो 1 घंटे की पढ़ाई कर ली इन्होंने और अब बनाते हैं खाना। लेकिन थोड़ा उससे पहले मैंने सोचा कि मैं दही बेसन लगा लूँ। अरे वाह, आदित्य को तो मन कर ही नहीं रहा है पढ़ाई से उठने का, क्या बात नहीं, है भाई। मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, देखो इधर आओ, देखो ध्यान से, देखो देखा होगा आपने वैसे। क्या है ये बनाने जो अरे वाह मम्मा सुनो तो। अरे वाह नोबिता ना, अच्छा देखो अरे डेवल तो बना देवे कर बस। कुकु ये बेसन और दही बच रहा लगाएगा। हेलो फैशन कनो हुण तो हाल वाल से इन कर ओवर कर, मु वेस्ट चला जाएगा। हल्दी लगाओ रे मम्मी, मैं आपको कैसे ला 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 बनो का गोरा बदन चमकाओ रे। कोको की शादी होने वाली है, कोको पे हम हल्दी लगा रहे हैं, बाल विवाह करने वाले हैं कोको का, है ना कोको। फैशन कनो खुण दी की
मैं जो भी लगाती हूँ तुरंत आ जाता है। मम्मा क्या लगाया आपने? मम्मा क्या लगाया? मुझे भी लगाओ, तेरे बालों पे लग जाएगा। बाल ऊपर करो, बाल ऊपर करो। पेंसिल वे लेकर रंग धो जाता। अरे हट ये बाबा। सजना है मुझे सजनी के लिए। नाक निकच मोड़ जरा ढंग से, केयर मुख गिच्चा ढंग से बनाओ, तब भी बेसन थोड़ा बच रहा है। रुक जा, हाँ उनको छोड़ दे, बाल छोड़ दे। वाह इन देखा इन देखा, जन पागल हो लड़ दो पागल। बाल दिखिए का डुकी एक बाल दिखली। अरे इना केयर में चपत लगा देना। नाक ढंग से फिर देख, नाक ढंग। यार गोर उजाड़ चली रे। अभी दगाम लगी हूँ। आजा 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 ले, ले डर भी रहा है, खेलने की कोशिश भी कर रही। आजा यही रहे, हमारे घर मत आ जाना। टाटा। सुबह से शाम होगी लेकिन इस कौवे का पेट नहीं भरा, ये खाए जा रहा है और पानी पिए जा रहा है, और मेरे बाल लग रहे हैं धूप में लाल लाल, और मेरे लाल जा रखे हैं साइकिल चलाने। और कौवे रे कौवे, तो मैं क्यारी में आ रखी हूँ, और ये जो कुछ लकड़ियाँ बची है सर्दियों की नहीं ऐसी पड़ी हुई है, इसमें बारिश पड़ रखी इतनी सारी, और फिर ये धूप से सूख गई, फिर बारिश धूप ऐसे हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यारी खाली है तो इसी बहाने खाद भी हो जाएगी, थोड़ी राख हो जाती है ना। तो ये पॉलीथीन तो नहीं जलाऊँगी मैं, ये प्लास्टिक, लेकिन इन लकड़ियों को और लकड़ियाँ लेके आती हूँ बारी बारी, और इसको जला देती हूँ। इसी बहाने थोड़ी सी राख हो जाएगी, थोड़ी खाद बन जाएगी इस क्यारी में, तो वही करने के लिए ला रखी हूँ मैं लाइटर। और ये लाइटर मैंने रखा रहता है ऐसे ही, कभी कभी होता है ना माचिस ख़त्म हो जाती है, तो मैंने ऑप्शन के लिए सारी चीज़ें रखी रहती हैं। तो ये है लाइटर, तो चलो थोड़ा बाहर से लेके आते, थोड़ी सी लकड़ियाँ। और कौवा अभी भी इंतज़ार में, पता है क्यों? उसने मेरे हाथ में ये देख लिया है, कौवे की नज़र इतनी तेज़ होती है ना, इतना चालाक होता है ना कौवा, तो उसने मेरे हाथ में मठरी देख ली है। तो बेटा ये मठरी मैं चाय में खाऊंगी, तेरे लिए नहीं है। बड़ा आया, और मैंने रखी अपनी चाय यहाँ पे, पहले चाय चख के जाती हूँ। 30-40 डिग्री में चाय हम पहाड़ी पीते हैं सिर्फ, हम उत्तराखंडी हम उत्तराखंडियों का जिगर है जो चाय पी सकते थे गर्मी में। यहाँ पे संतोला आ गया, अब संतोला, डू यू नो संतोला? दिखाई नहीं दे रहा होगा ना ये। कौवे को गुस्सा आ गया कि हमारे एरिया में क्यों आ गया, तो फिर से कौवे बैठ गए हैं मेरी मठरी पर, इनको होगी नजर है। सालो अब नहीं दूंगी। और मठरी देने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले मुझे लगा कि मैं क्या करूँगी इतनी मठरी का, लेकिन मैंने खाली चाय में जुगराज रहे हैं तुम, एक ही मठरी बचनी चाहिए, लास्ट फिनिश। लड़ाई हो गई यहाँ, लड़ाई लड़े पोड़ गया रे कौवा के सौट लगे। आर क्यों बगड़ी से आग नहीं जलाएगा? आग नीचे गण में दोगे? आग नीचे लगा मेरे साथ आंध बिच, तो लाइटर जलान, लाइटर जलान आंध बिच। देखो हमारे साथ आया, मेरे साथ मदद करने आया ओमी। ओमी की शक्ल तो देखो, छो के उठ रहा है ना। मैं इतनी लकड़ियाँ ला गई हूँ, लोग बनावल हम तो लकड़ा ही नहीं, मैं ना लकड़ ला गई हूँ। इसको जला लेते हैं, ये ऐसे ही हैं बारीक बारीक लकड़ियाँ, कुछ काम तो आ जाएंगी, तो खाद के काम आ जाएगी मेरे खेत में ना। और आग जलाने के लिए थोड़ी सी तो पन्नी जलानी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि मिट्टी तेल है नहीं हमारे पास, मिट्टी का तेल नहीं है गाइस, जलाते हैं इसी को।
जल गई हमारी आग। ओमी आग तापने आग तापेगा देसी लड़के। हाँ जून के महीने आग तापेगा ओमी। हाँ बल लोग चाउमीन बनाने के लिए विनेगर यूज़ करते हैं और मुझे मधुमक्खी ने काट दिया दोस्तों। फटाक से विनेगर लगा दो तो काफ़ी राहत मिल जाती है। एक ने तो मुझे काट ही दिया तो मैं फटाफट से विनेगर लगा दिया वरना एक यहाँ पे काटा उसने। ये इतना मोटा नहीं हुआ है, विनेगर से एकदम से सही हो जाता है। और चार जगह में काट दिया उसने पैर पे भैया। कैसे कैसे जान बचा के मैं अंदर भागी। मैंने ये हमेशा रखा रहता घर पे। चाउमीन तो बनाया नहीं लेकिन मैं मधुमक्खी से बचा दिया इसने। और मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं उसी को लेके आ रही थी और मुझे लग रहा चप्पल के रास्ते वो मेरे पैर में घुस गई और अब मुझे गाड़ी उठाने में भी डर लग रहा है। मुझे बाहर टॉर्च लेके जाना पड़ेगा। अच्छा मैं जब चढ़ाई पे चढ़ा रही थी गाड़ी तब नहीं काटा उसने, लेकिन अब मैं चढ़ाऊंगी गाड़ी तो मैंने एकदम से डाउन कर दी थी गाड़ी, छोड़ के मैं अंदर भाग गई। इतना भयंकर काटा ना मैंने उसको, अंदर ही मसल दिया। चलो लेके आती हूँ मैं गाड़ी, अंदर लानी तो पड़ेगी। अब मुझे डर लग रहा है, मेरा हाथ कांप रहे हैं। इतना भयंकर काट दिया उसने। अरे पहले एक जगह में काटा मैंने मसल दिया उसको, लेके आती हूँ दुगुना आ गया। और आज मुझे बहुत आलस आ रहा था, खाना बनाते बनाते बज के हैं 10। तो वैसे और दिन भी हम लगभग 10 बजे तक ही खाते थे, मतलब बैठ के आराम से खाओ तो 10 बज जाते थे, लेकिन आज चूल्हा ही मैंने 10 बजे निपटा है। अभी सब्जी लेके जाऊंगी मैं, सब्जी और रोटी किचन में रखा है, अब जा रही हूँ मैं। तो 10 बजने वाले, 10 बजने में है 1 मिनट। और आज मुझे मधुमक्खी ने खा लिया। तो लोग कहते हैं शाम को नहीं खाती ठंड में, भगाओ तो नहीं काटती, लेकिन मुझे तो काट ही दिया उसने। तो इधर घर के पीछे भी एक दो जगह में उनके छत्ते ही, लेकिन मैं तो नहीं लगाऊंगी उन पर हाथ अब बिल्कुल भी नहीं। तो वो बाहर की तरफ थे रास्ते में, तो मुझे लगा कि बच्चों के बच्चे छिड़ाखानी करते ना, तो उनके कारण मैंने वो हटाई, लेकिन उसने मुझे, मैंने तुरंत विनेगर लगा दिया था सीधा हाथ में डाल के विनेगर उड़ेल दिया था, तो उतना असर नहीं पड़ा, वरना इतने मोटे मोटे फुफोले हो जाते तो ज़्यादा नहीं। भाई आज मैं दिनों दिन से बहुत नींद आ रही है, मैंने अभी आटे के हाथ भी नहीं धोए। तो ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शॉर्ट्स भी मिलते रहें। तो ब्लॉग में आए तो शॉर्ट्स देखिएगा और शॉर्ट्स। टाटा बाय, गुड नाइट।